सोलन के व्यापारी से 17 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हरियाणा के बदमाश आज सुबह चेहरे ढककर रिवॉल्वर लेकर उनके कार्यालय में धमके और उसे मारने की बात कहने लगे। लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मी ने जैसे ही अपनी राइफल पर हाथ डाला तो बदमाश डरकर वहां से 9-2-11 हो गए। पुलिस ने सारे सोलन को छावनी में तब्दील कर जगह जगह नाके लगा दिए हैं और जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इस घटना से शहर में सनसनी का माहौल बना हुआ है और व्यापारी का परिवार दहशत में है। इस बाबत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि 3 हथियारबंद लोग राजकुमार व्यापारी के कार्यालय में घुसे थे, लेकिन वह बाद में वहां से भाग खड़े हुए। उन हथियारबंद 3 बदमाशों की तलाश की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। लगभग 11 बजे हमें सूचना मिली थी पुलिस स्टेशन पे कि एक बिजनेसमैन जिनका नाम मिस्टर राजकुमार मित्तल है और इनका लोअर बाजार सोलन में अपना ऑफिस है, वहाँ पे कोई 3 व्यक्ति सस्पिशियस कंडीशंस में इनके ऑफिस में घुसे और वहाँ पे जो रिसेप्शन पे इनका आदमी बैठता है उसको उन्होंने गले से पकड़ा और तुरंत ही वहाँ से वो निकल गए और जाते जाते जो है उन्होंने उस व्यक्ति को, रिसेप्शन वाले व्यक्ति को, एक कुछ वेपन दिखाया है जो कि उसके अनुसार रिवॉल्वर था जो रिसेप्शन पे बैठा था व्यक्ति। तो इस पे तुरंत जो है जैसे ही हमें सूचना मिली है तो सारे की सारा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो एकदम से एक्शन में आई है और पूरा हमने डिस्ट्रिक्ट को सील किया है। एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, नाकाबंदी हमारी चल रही है और इसके संदर्भ में एक कंप्लेंट जो है वो ली गई है इनसे जो कंप्लेनेंट हैं और इसमें रिलेवेंट सेक्शंस में FIR दर्ज करके फर्दर कार्रवाई की जा रही है। ये जो CCTV फुटेज वहां पे मिली है उसके आधार पे 3 व्यक्ति हैं जो वहां पे एंटर हुए हैं। व्यापारी राजकुमार ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि जब वह सुबह अपने कार्यालय में था तो 3 व्यक्ति उनके कार्यालय में घुसे जिन्होंने चेहरे पर मफलर लपेटा हुआ था और आते ही उन्होंने अकाउंटेंट को गले से पकड़ा और वह मेरे बारे में पूछने लगे और धमकी देने लगे, वह राजकुमार को आज जान से मार देंगे। जब ये घटना घटी तो वह शौचालय में थे, जब वह बाहर आए तो तब तक वहां तैनात पुलिसकर्मी ने उन पर राइफल तानी जिसे देखकर वह घबरा गए और वहां से 9-2-11 हो गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस घटना के पीछे उनके ही रिश्तेदार का हाथ है जो काफी समय से उन्हें धमकी दिलवा रहा था। आपको बता दें कि काफी समय से व्यापारी राजकुमार को जान से मारने की धमकी मिल रही थी, इसलिए पुलिस प्रशासन ने व्यापारी को सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करवाया है और इस सुरक्षा कर्मी की मुस्तैदी की वजह से आज बड़ी घटना होने से टल गई। लेकिन इस घटना से सारे व्यापारियों में भय का माहौल देखा जा रहा है। अपने ऑफिस में बैठा था सुबह 11 बजे के करीब, 3 नकाबपोश जिन्होंने अपने मुंह पे मफलर बांध रखे थे वो एंटर हुए। मैं बाथरूम में था और नरेंद्र जी मेरे जो अकाउंटेंट है वो बाहर बैठे थे। उन्होंने नरेंद्र जी को पकड़कर जोर जोर से बोला, कहाँ है राजकुमार, कहाँ है उसका बेटा, उसको गोली मार देंगे। और उसके बाद जैसे ही मैं बाथरूम से निकल गया मेरे पास आए, मेरे को उन्होंने गोली पिस्टल दिखाई और पिस्टल दिखा के कौन है राजकुमार, मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन है राजकुमार। और जैसे ही उन्होंने मेरे साथ मेरा प्राइवेट सिक्योरिटी अफसर मतलब पुलिस सिक्योरिटी अफसर देखा, तुरंत वो जो है भाग गए तीनों जने। मुझे तो पुलिस के कार्रवाई के ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि पुलिस ने जिस दिन, मैंने इनके चंद्रपाल और इसके बेटे ही ये सारा काम करा रहे हैं क्योंकि हमारे जो केस हैं वो कोर्ट में लंबित हैं और उसने मेरे पैसे देने हैं और उल्टा वो दबाव बना रहा है कि वो मेरे को, उसने मेरे से पैसे लेने हैं क्योंकि जो मेरे पास धमकी भरा इनका फ़ोन आ रहे हैं उसमें ये बार बार यही बोल रहे हैं कि तू चंद्रपाल के पैसे दे दे, हम उसके साथ कुछ निपट लेंगे और तेरे केस हम वापस करवा देंगे। और 100% मेरे अगर परिवार को चंद्रपाल और उसके बेटे से ही खतरा है और यही दोनों बाप बेटे इस सारे शहर में जो भी गलत काम हो रहे हैं दोनों ही बाप बेटे कर रहे हैं।